6 a.m. and I'm up again. I work hard each and every day. I won't stop till I make a change. मैं हूँ अभी ओडिशा में और कल अपन निकल रहे हैं यहाँ से कोलकाता के लिए। 12 घंटे से ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझको। सुबह 8 बजे से कर रहा हूँ एडिटिंग, 9:45 हो रहे हैं। तो ट्रैवलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें सब कुछ मैं अकेला ही करता हूँ, तो पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ मैं अकेला ही, बट ये लंबी सीरीज़ है तो इसमें बहुत 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 मेहनत लगती है। कल का दिन शुरू करते हैं। गाड़ी करिए साफ, देखो डस्टर ऊपर ही छोड़ दिया है। ये है ट्रिबो का सिद्धार्थ एलीट, उधर रह रहे हैं हम जहाँ पे कपड़े दिख जाए सूखते हुए। गाड़ी साफ कर ली, कपड़े धो लिए 1.5 दिन में, और एडिटिंग चालू है। 12 घंटे से ऊपर हो गए, अभी 2 या 3 घंटे का काम और है तो फिर एपिसोड आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। बहुत बुरे हाल है भाई साहब, क्या बम फटा है। क्या फटा है पता नहीं, क्या फटा है। कंटिन्यू करते हैं काम को। जब इंसान 14-15 घंटे से करता है काम और फिर भी नहीं ख़त्म होता और कुछ ना कुछ रह जाता है, तो देखो क्या होता है। हालत देखो मैंने क्या बना रखी है इसकी। टाइम हो रहा है रात को 1:14 का, अभी तक एडिटिंग चालू है। अभी डिनर करके आया हूँ और फिर ये मंगा लिया है मैंने टैको, और एक कोल्ड ड्रिंक यहाँ चल रही है। एडिटिंग पूरा भर रखा है भाई, पूरा मतलब फैला रखा है रायता। तो भाई कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं, है ना। सैलड अलग टाइट हो चुकी है भाई। सुबह निकलना भी है कोलकाता के लिए और मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे की ही नींद हो पाएगी। भाई टाइम हो गया 2:52 का। मेहनत बहुत लगती है तो ये किस लिए है, टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट्स। तो अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, और 2 घंटे 2.5 घंटे सोते हैं, आँख खुल गई तो बस उठ के निकलना है यहाँ से टुवर्ड्स कोलकाता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा day 4 और मैं हूँ अभी भुवनेश्वर में ऑन नेशनल हाईवे 16। तो ये ट्रिबो का मैंने ये होटल बुक किया था, सिद्धार्था एलीट ऑन दिस हाईवे। तो आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं कोलकाता के लिए, बट हम जाएंगे वाया पुरी कवर करते हुए फेमस जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल को कवर करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे पुरी कोणार्क हाईवे से कोलकाता। और आपने क्विक स्नैपशॉट तो वीडियोज़ का देख लिया होगा, कल मुझे लगभग 13 से 14 घंटे लगे, क्योंकि 2 वीडियोस मुझे एडिट भी करनी थी, अपलोड भी करनी थी। तो करते करते मुझे रात को 2:30 गए। आपने छोटा सा स्नैपशॉट देख ही लिया है, 5 ही घंटे की नींद हुई है, बट थोड़ा सा टाइम टेबल में सुधार हुआ है आज। और देखते हैं कोलकाता पूरा पहुँचते हैं या रास्ते में फिर कहीं रुक जाते हैं, बिकॉज जो टाइम टेबल पीछे मिस हुआ है ना, उसके कारण जो मेरा पेंडिंग वर्क है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कवर करना है टिल कोलकाता बिफोर आई एंटर मेघालय। तो चलो चलते हैं। बहुत गर्मी है भाई उड़ीसा में भी, और सुबह सुबह तो मैंने हालांकि थोड़ा सा काम किया है, सफाई करी है गाड़ी की बाहर से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पसीने रुक ही नहीं रहे हैं। तो भाई ये आ गया है अपना ऑमलेट ब्रेड, तो पी के दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छी स्ट्रांग बनाई है, जैसे मैंने बोला था उसको कि पूरे दिन के लिए पावर दे दो भाई। टाइम टू लीव, बहुत ही अच्छा स्टे रहा, थैंक यू सो मच सोमनाथ जी, बहुत ही वंडरफुल स्टे रहा आपके साथ। थैंक यू सर, इतना पीसफुल स्टे एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फैसिलिटीज़ तो पूछो नहीं, और सोमनाथ जी ने इतना वेल मैनेज किया हुआ है ना इस होटल को। तो मैं हूँ ट्रिबो का सिद्धार्थ एलीट जो है भुवनेश्वर में NH-16 हाईवे पे, करेक्ट सोमनाथ जी? तो थैंक यू सो मच सोमनाथ जी, मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू सर, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है भाई, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने दिन की और निकलते हैं टूवर्ड्स पुरी। पुरी है यहाँ से 68 किलोमीटर्स, 1:50 का रास्ता दिखा रहा है, और आज एकादशी है ना? जी। आज है एकादशी, तो आज रहने वाली है ज़बरदस्त भीड़।
तो चलो चलते हैं। दिस इज नेशनल हाईवे 16 चेन्नई टू कोलकाता। तो जब हम यहाँ आए थे पिछले एपिसोड में तो हम यही लेफ्ट से आए थे और हम इधर आ गए थे, तो राइट में अगर जाएंगे तो है कोलकाता और लेफ्ट में अगेन ये टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश है। तो हम फिलहाल आंध्र प्रदेश नहीं जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। प्लान तो ये था कि सुबह 6 बजे मैं निकल जाऊँगा, बट इतनी लेट तक एडिटिंग चली है ना, पूछो ही मत यार। तो हिम्मत ही नहीं हुई उठने की, या बोलो आँख ही नहीं खुली मेरी। तो कंटिन्यू करते हैं, अब जैसा भी है काफ़ी गर्मी रहने वाली है और पूरी को कवर करेंगे और उसके बाद कोणार्क बीच पे जाएंगे। फिर देखते हैं यार, अगर ब्रेकफास्ट में तो मैंने खा लिया है, लेकिन कुछ मिल जाता है क्विक पिकअप फॉर द रूट, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स कोलकाता। Take the next left after JK Tire on the left toward Asian Highway 45, then turn right onto Asian Highway 45. तो भाई अब यहाँ से नेशनल हाईवे 16 छूट जाएगा और सामने आप बोर्ड देख ही रहे हैं, बालासोर है 200 किलोमीटर्स। आज बालासोर को क्रॉस करने के बाद देखेंगे हम अप टू 300 किलोमीटर्स करके, देखते हैं यार कहीं पे स्टे करते हैं आज, और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को क्विक स्टार्ट करेंगे सो दैट आज थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए मेरी और कोलकाता पहुंचने के बाद भी मेरे पास टाइम हो, सो दैट बिफोर स्टार्टिंग टू मेघालय मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। तो यार ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है, डे पूरा प्लान करना पड़ता है, आगे पीछे हो ही जाता है, फिर भी आप कितना भी प्लान कर ले कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो right, तो ये रोड थोड़ा सा भुवनेश्वर के अंदर से लेके जा रही है, अच्छा है थोड़ा सा भुवनेश्वर सुबह सुबह देखने को मिल जाएगा और थोड़ी सी सिटी कवर हो जाएगी, ना इधर तो हाईवे पे ही चल रहे थे हम लोग, सारे अपार्टमेंट्स बने हुए, रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोड्स काफ़ी अच्छी बनी है, पार्किंग भी लोगों ने काफ़ी अच्छे से करी हुई है। आंध्रा में विजयवाड़ा में काफ़ी अच्छा एग्जांपल देखने को मिला था, रोड्स भी काफ़ी अच्छी थी, लोगों का ट्रैफिक में चलने का सेंस भी अच्छा था, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अभी तक। ये देखो भाई साहब, चलती गाड़ी में खोलते हैं गेट और खून की पिचकारी। अभी मैं नो डाउट भुवनेश्वर शहर अभी तक जितना मैं क्रॉस कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में शहर, रोड बहुत अच्छी हैं और लोग भी अच्छे से सलीके से चल रहे हैं यार रोड के ऊपर। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली, सफाई कितनी ज़्यादा है यार, क्लीनलीनेस रोड के, इधर देखो उधर देखो या ये जो डिवाइडर लाइन है इस पे देखो, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है यार ये जगह, इसीलिए ओडिशा को बोलते हैं वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग स्टेट, बिकॉज इतनी बार यहाँ पे फ्लड आता है फिर भी बहुत ही स्पीड से रिकवर कर जाता है ओडिशा यार। तो भाई अभी देखो दुनिया कितनी छोटी है, अभी एक राजस्थान का भाई बेच रहा था इंडियन फ्लैग, तो मैंने लिया है ये इंडियन फ्लैग, इसको मैं अभी गाड़ी रोक के रखूँगा, और एक छोटा लिया है तो आपने मेरी गाड़ी पे देखा था। तो भाई अपन ने ले लिया है ऑरेंज एप्पल एंड बनाना, तो यही फ्रूट्स ही रहता है मेरा बेसिकली फूड में मॉर्निंग से आफ्टरनून तक जब मैं ट्रैवल करता हूँ। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 316 फॉर 1 किलोमीटर। ये है बादशाही रोड भुवनेश्वर टू पुरी हाईवे। तो अब इस हाईवे पे 44 किलोमीटर्स हम कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स पुरी, और टोटल किलोमीटर जो रह गया, जो डिस्टेंस रह गया वो है 51 किलोमीटर्स का। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हाइड्रेट रखने के लिए बनता है। तो ये काका हैं इस नेशनल हाईवे 316 पे बैठते हैं यार, और ये इनका कॉर्नर है। सुबह सुबह कहते हैं उठते ही मैं यहाँ आ जाता हूँ, मतलब सुबह 6 बजे के आसपास ही, और काफ़ी दूर से अपने इस साइकिल पे आते हैं। काका थैंक यू, काका अच्छा था, बहुत पानी था,
मैंने इनको पहले कहा था कि थोड़ा ज़्यादा पानी वाला चाहिए, हाइड्रेट कर दे एकदम, तो बड़ा चुन के दिया, बहुत ही पानी था। देखो कितना छोटा नारियल है मेरे हाथ में आ गया, हार्डली 5 inches टॉल होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है काका की तरफ से, लोडेड विद वाटर, और ये इसका पैसा नहीं ले रहे हैं, ये प्यार से दिया, तो इसे कहते हैं प्यार, उड़ीसा का प्यार। तो पूरी यहाँ से 4.7 किलोमीटर और बाकी है, Turn right for National Highway 316. And हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। तो हाल फिलहाल में अभी टर्न ले लिया है जगन्नाथ पुरी के लिए। Next right onto Gayatri Road, then turn left. ऑटो वाले भाई साहब आ रहे हैं, इधर ही जाना है मुझे, तो पता नहीं भाई, मैंने जिनसे पूछा था उन्होंने तो यही बोला है कि यही रास्ता है। अब ये गूगल कई बार फंसा भी देता है, भाई साहब से पूछते हैं, हेल्प कर देंगे। भाई साहब ये जगन्नाथ टेम्पल ये रास्ता जाएगा, गाड़ी नहीं जाएगा वहाँ, जगन्नाथ टेम्पल गाड़ी नहीं जाती है, तो कहाँ तक? 500 मीटर दूर से रहेगा, यहाँ रख के आप चल के जाएगा 2 मिनट लगेगा। अच्छा, अभी कार कर दिया यहाँ पे पार्क बिकॉज ऑफ गूगल, और शायद मैंने भी सर्च नहीं किया, तो मैं यहाँ आ गया। इस गांव का नाम क्या भैया? गांव का नाम, तो इस जगह का जो नाम है वो है लेन भट्ट, और मणि नागेश्वर मंदिर है यहाँ पे। चाहे तो आप ये भी फॉलो करके आ सकते हैं, नहीं तो जो बेस्ट है वो है आपको जगन्नाथ पुरी टेम्पल का पार्किंग जो है वो गूगल में लेना है। तो पार्किंग वहाँ पे स्पेसिफिक पार्किंग है, 50 रुपये 3 घंटे का लगता है। तो चलो सीधा मिलते हैं मंदिर पे। और ये काफ़ी पुरानी सी ये लग रही है बिल्डिंग, काफ़ी पुरानी इमारत है, और देखें तो ये कुछ पुराने ज़माने की शॉप्स, इनके इस तरह से दरवाजे हुआ करते थे, और आई थिंक ये रास्ता खुल गया है अब, और इधर आना था, और यहाँ से सामने दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर। वाह, चलो लेते हैं कुछ क्लोज़र लुक्स। तो मैं हूँ इस वक्त जगन्नाथ मंदिर पे, आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं, और मेरे साथ है राजकिशोर, और ये है रितेश, और इनका है यूट्यूब चैनल भी पूरी टोका रितेश, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको, तो आप बताएंगे कुछ यहाँ के बारे में। मंदिर के अंदर ताज 4 दरवाजा है, सिंह की द्वार को, जब सिंह दरवाजे को धर्म दरवाजा बोलते हैं, उत्तर द्वार को अर्थ दरवाजा बोलते हैं, पश्चिम गेट को कान दरवाजा बोलते हैं, दक्षिण दरवाजे को राजा दरवाजा बोलते हैं, जब राजा महाराजा आते हैं दक्षिण दरवाजे एंट्री करते हैं। यहीं पर जगन्नाथ जी 6 प्रकार के 56 किस्म का भोग खाते हैं। अच्छा, जहाँ भी मंदिर में जाओ तुरंत दर्शन मिलता है, जगन्नाथ मंदिर में तुरंत दर्शन नहीं मिलता है। अच्छा, दर्शन करने के लिए आपको लोग वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बद्री में जप करते हैं, द्वारिका में, रामेश्वर में शाम करते हैं, द्वारिका में शयन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ भोजन करते हैं, इसको शेष दाम शंख क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, इसीलिए इसको अन्नदान से दान नहीं, हरि नाम से नाम नहीं, अभी तो किसी गेट में एंट्री नहीं है, धर्म द्वार से एंट्री होता है, तीनों गेट में एग्जिट होता है, धर्म द्वार जो सिंह द्वार है ना, उसी दरबार से एंट्री होती है सभी लोग का, VIP हो। और ये कौन सा दरवाजा है? ये पश्चिम गेट है, पश्चिम गेट मंदिर का, पश्चिम गेट काम द्वार है, मनोकामना का द्वार है ये। अच्छा, कामना का द्वार है, कामने का द्वार है। अच्छा, और जो बाकी बाग द्वार भी बोलते हैं, बाग द्वार भी बोलते हैं, बाकी जो 3 दरवाजे आपने बताए वो कौन से हैं? वो हाथी दरवाजा है, अर्थ का दरवाजा है, उत्तर द्वार, जो दक्षिण दरवाजा है वो घोड़े का दरवाजा है, राजा जो महाराजा आएंगे वही दरवाजे से एंट्री करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये 4 दरवाजे इन्होंने बताए यहाँ के हैं, और अभी हम जो खड़े हैं ये है पश्चिम दरवाज़ा। कौन सा समय है जिस समय काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं? रथ यात्रा के समय सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक बात समझिए, मंदिर की कभी भीड़ कम नहीं होती है, हर दिन भीड़ रहता है, हर दिन भीड़ रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं है मंदिर भीड़ कम नहीं होगा, हर दिन मंदिर भीड़ होता है। जगन्नाथ जी यहाँ पर 6 बार खाना खाते हैं, लास्ट में फकाल भोग खाते हैं, पहला भोग बल्लभ भोग होता है, दूसरा भोग खिचड़ी भोग होता है, तीसरा भोग अन्न भोग होता है,
चौथा भोग अर्ण भोग होता है, पांचवा भोग अर्ण भोग होता है, लास्ट वाला भोग पखाल भोग होता है, पखाल भोग होता है। अच्छा, जगन्नाथ जी 6 बार खाना खाते हैं आप, 6 बार शंख क्षेत्र इसको बोलते हैं। देखो शंख जैसा है ना ऊपर का सिर, जो नील चक्र के ऊपर है ना वो शंख जैसा है ना, वो नील चक्र को शंख क्षेत्र, वो नीलगिर पहाड़ थे। अच्छा, इंद्र जम राजा ने मंदिर बनाया है, वो ब्रह्मा जी को लेने के लिए दो ऊपर गए थे, लग गया 200 साल लग गया, 200 साल लगे आने में। आते समय मंदिर पूरा ढका हुआ था, बाली में ढका हुआ था। अच्छा। समुद्र आके ढका दिया था, फिर मंदिर खुदाई की, इस मंदिर निकला। इस मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर से, 66 मीटर इस मंदिर की ऊंचाई है। पीले वाला है वो है सारे? सारे सारे चेंज हो गए, 5 से शुरू होगा, 6 बजे खत्म होगा। जो आप मंदिर के ऊपर देख रहे हैं ये जो फ्लैग सही से ध्वज कहते हैं, शाम को 5 से 6 के तकरीबन इन्हें बदल दिया जाता है और नया लगा। और अगर नहीं बदला 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा अगर इसे रोज नहीं बदला गया तो। थैंक यू, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बाहर से आते हैं जाति लोग अतिथि आते हैं उनको मंदिर घुमाता हूँ, उनके 100-200 रुपया लेके मंदिर घुमाता हूँ, वही काम है मेरा। तो उसका आपका मोबाइल नंबर है तो कुछ बता दीजिए। हाँ देते हैं, बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर 9556915612। मेरा नाम राजकिशोर बेहरा है, हम जादव के हैं, सिक्केस्ट वंशधारी हैं। तो आई होप आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल अच्छा लगा होगा। ये जो बेस्ट हो सकता था वो है, बिकॉज यहाँ पे 300 मीटर्स अराउंड में भी आप किसी तरह का ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो फोटो बाहर से ले सकते हैं, वो मैंने उतना लिया है बस, और जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे बाहर से वो मैंने आपको दे दिया। तो ये बेस्ट है जो अभी मैंने आपको जगन्नाथपुरी टेम्पल का दिखाया है। तो अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं हम कोणार्क सी बीच की तरफ। तो कोणार्क बीच है बेसिकली, ये पूरी कोणार्क लिंक रोड है। तो अगर आप यहाँ से कोणार्क सी बीच डालेंगे तो ये आपको उसी रूट से लेके जाएगा, बहुत ही सुंदर रूट है। तो चलो चलते हैं, एकदम सी के साथ में चलेगा। मैं स्टार्ट करने से पहले सोचा सुबह जो फ्रूट्स और छाछ ली थी तो अभी छाछ पी लेते हैं, थोड़ी देर में फ्रूट्स भी खाते हैं यार, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बटर मिल्क डेफिनेटली हाइड्रेट रखेगा, मैं स्ट्रॉ नहीं यूज़ करता इनकी, कभी एक गिर भी जाता है मेरे ऊपर। शेक वेल बिफोर यूज़ कर चुका हूँ। ये इसलिए मैंने लगाया था, ये ड्राइविंग में भी मुझे सपोर्ट करता है और वैसे नेकरेस्ट है बट पिलो जैसा काम करता है, बिकॉज आराम से ये 4 इंच आगे की तरफ है तो पूरा नेक सपोर्ट आता है, कंप्लीट नेक सपोर्ट। तो क्विक रेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, करते हैं हाइड्रेट और चलते हैं आगे। यहाँ पे बहुत फेमस एक स्वीट है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ। यहाँ की बड़ी फेमस स्वीट है पूरी की यार, एक वो मैं भूल गया हूँ उसका नाम, अगर आपको मालूम है तो उसको मैं चाहता हूँ वो खरीद लूँ। गलती हो गई, मंदिर के पास वहाँ पे मिल रही थी और मैंने सोचा कि आगे मिल जाएगी ले लेंगे, गर्मी बहुत है मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरी के आगे कोणार्क में वो नहीं मिलेगा, पता करते किसी से। तो मैं हूँ इस वक्त नेशनल हाईवे 316 पे और उस तरफ था वो जगन्नाथपुरी टेम्पल का कट, और पता करने पे मालूम चला कि यहाँ इस शॉप में बनता है खजिया, जो यहाँ की फेमस डिश है। तो ये है यहाँ की फेमस डिश, क्या बोलते हैं भैया? खाजा बोलते हैं। ये पूरी का सबसे मीठा है खाजा। तो भैया आप देखो, जैसे ये आ रहा है खाजा, खाजा बोलते हैं ना इसको, पुरी का फेमस खाजा बोलते हैं, पुरी का फेमस खाजा। क्या नाम है आपकी फैक्ट्री का भाई साहब? भाईना खाजा। भाईना खाजा। और कितनी पुरानी है ये? 31 साल हो चुके हैं इसको। चटनी में खाजा फ्राई करके लाए, उसे डुबाया है। आइए चले देखते हैं। ये
फाइनल रेडी हुआ है। ओ ये तो बहुत ही बड़ी कढ़ाई है भाई, मैं इसके अंदर आधा लेट रेक्लाइन कर सकता हूँ इसके अंदर, ये इतनी बड़ी कढ़ाई। और ये कड़छा का साइज देखो। बड़ी गर्मी में हो भाई साहब। बहुत गर्मी है यहाँ पे, एकदम पैंट जल रही है। और ये मैम इसमें नीचे से खजला जो प्रोसेस करके ला रहे हैं उसको इसमें डाल रही हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है फ्राई एक लेवल, और ये हो रहा है दूसरे लेवल का फ्राई। और आप देख सकते हैं ये कैसे इसमें अभी आ जाए आएगा। तो ये बड़े अच्छे से छान के इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका पेस्ट बन रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लेडीज़ कारीगर हैं सारे। और ये भी एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो ऊपर से डो आता है उस डो को, ये रखा है वो डो जो ऊपर से बन के आया, और उसको यहाँ पे फिर प्लेस किया जाता है। उसके बाद ये क्या लगा रहे हैं आप? पेस्ट ऊपर जो आपने देखा नहीं नहीं ये क्या है? वो ये पेस्ट। अच्छा पेस्ट है। अच्छा तो ये वो पेस्ट है जो ऊपर बन रहा था, और उसी को इस पर लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ आता है फाइनल स्टेप, जहाँ पे आप देख रहे हैं वो सामने काफ़ी बड़े बड़े वो गोले हैं वो, और इनको फिर बेला जाता है, पीसेस में कट किया जाता है। डिज़ाइन वहाँ डल चुका है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही डिज़ाइन डल रहा है जैसे लच्छे रोटी का डलता है। और अच्छा लगा भाई साहब काफ़ी, बहुत अच्छा लगा देख करके। आपने पूरी फैक्ट्री दिखाई, 31-32 साल की आपकी ये फैक्ट्री है। सबसे अच्छी चीज़ है आपने है ना यहाँ पे काफ़ी सारे लेडीज़ वर्कर रखे हुए। अब आप देख रहे हैं मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो जो ऊपर कढ़ाई मैंने आपको दिखाई उसमें से कितना हीट आ रहा होगा। और जो इंसान वहाँ खड़े होकर उसे बना रहा है, मेरे ख्याल से अगर मेरे जैसा हो तो मैं तो पता नहीं कितना लीटर पानी पी जाऊँ वहाँ खड़ा होके। और हमने लिया है ये 1/2 किलो, मैंने अकेले ने लिया बेसिकली, ये 1/2 किलो। तो ये ख़राब नहीं होता, कहते हैं अगर इसको सील टाइट बॉक्स में रखेंगे ना तो ये आराम से 15-20 दिन तक सर्वाइव कर जाता है। तो घर में भी रखते ही है। तो मैंने पूछा यार गाड़ी में मैं अभी कोलकाता तक जा रहा हूँ ख़राब तो नहीं होगा, तो बोले नहीं ख़राब नहीं होगा। तो मैंने 250 ग्राम की जगह ले लिया अब 1/2 किलो। तो चलो चलते हैं। अब हवा बहुत ज़ोर से चल रही है लेकिन किसी तरह मैनेज किया हुआ है इस कैमरे को, क्या ना मीठे की क्रेविंग थी तो मैंने सोचा लेके मीठा खाते हैं। और जब फेमस हो कहीं का कुछ और वो भी ऐसी चीज़ तो यार कौन छोड़ता है। तो नमकीन खा लिया मैंने पहले वहाँ, लेकिन मैं मीठा खाए भी ना जाऊँगा, बिल्कुल गर्म है यार। वर्थ है भाई, साइज़ देखो वर्थ है। 60 रुपीज़ में 1/2 kg मिला है मुझे, 120 रुपये किलो। मार्केट में जाएंगे तो ज़रूर थोड़ा महंगा मिलेगा, मुझे प्राइसिंग नहीं पता है, लेकिन थोड़ा महंगा यहाँ से मिलेगा। ये फैक्ट्री है तो उसके वजह से मिल गया, बट ये रिटेल भी देते हैं। फैंटास्टिक, तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन में जब मैं फैंटास्टिक बोलता हूँ ना तो मतलब मीठा एकदम कैलकुलेटेड मीठा है, ना ज़्यादा है ना कम है, और गर्म है और क्रिस्पी है ना। दिल खुश कर दिया भाई पूरी ने, मज़ा आ गया। देखो यार क्या मस्त फ्लैग लग रहा है ना, ओ वाओ। बहुत अमेजिंग मौसम हुआ है भाई, बहुत शानदार मौसम हुआ है यार। और अभी हम ले रहे हैं यहाँ से यू टर्न, जा रहे हैं टुवर्ड्स कोणार्क बीच। वैसे कोणार्क बीच का रास्ता अंदर से भी था जहाँ पे हम थे, तो विलेज साइड से भी था उसका रास्ता, लेकिन जो रूट अभी मैं ले रहा हूँ ये है फ्लाईओवर। तो अगर आप भुवनेश्वर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये बोर्ड दिख जाएगा वेलकम पूरी 6 किलोमीटर्स। बारिश चालू हो चुकी है यार। और ये मलाती पतापुर रेल स्टेशन का ये बोर्ड है बेसिकली। तो यहाँ से लेफ्ट में ये एक स्लिप रोड है और स्लिप रोड में फ्लाईओवर है, तो हम इसी फ्लाईओवर को लेंगे। पूरा कोस्टल इलाका है यार,
और आई एम श्योर समंदर काफी पास में ही होगा इधर। और कहते हैं कि 5 किलोमीटर का वो ड्राइव रोड है जो कोणार्क बीच वाला है, तो वहीं जाने की तैयारी है। जैकेट चढ़ चुकी है, मतलब मैं ठंडी जगह पे पहुंच चुका हूं। मैं आ चुका हूं मेघालय में और कल ही रात को मैं मेघालय पहुंचा हूं और कर रहा था मैं यहां बैठ के एडिट। तो ये एपिसोड हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा, 26 मिनट्स का ये ऑलरेडी हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, अभी कोणार्क बाकी है और रूट में बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि कट करूं कोई भी चीज़ें, बिकॉज सब कुछ एक्सक्लूसिव है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए एपिसोड, बिकॉज इससे पहले वाला भी जो एपिसोड था वो भी 30 मिनट्स का हो गया था, तो ये 26 हो गया है। तो आई एम ट्राइंग टू कीप एपिसोड स्टिल 23-24 मिनट्स मैक्सिमम, अंडर 20 रहे तो बढ़िया है। तो रखते हैं इस एपिसोड को यहीं तक, नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन आएगा और कंटिन्यूएशन में हम जाएंगे कोणार्क बीच, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू होने वाला है वहाँ पे, लिए हैं कुछ ड्रोन शॉट्स और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे या नहीं कोलकाता के लिए, ये आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बहुत सारा सपोर्ट जो आप लोगों से मुझे मिल रहा है एंड जो एक चैनल के ऊपर जो एक मूवमेंट होना चाहिए तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इट्स मूविंग एवरी डे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। मेरी वीडियोज़ को शेयर करो यार अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी ग्रुप में एटलीस्ट वंस, और इंस्टाग्राम पे सेम है इम्पल्सिव बैकपैकर, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे आती हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें, वहाँ पे आते हैं बहुत सारे अपडेट्स कि मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ। रिलेटेड टू एपिसोड्स, कोई भी एपिसोड डिले नहीं होगा, इवन आई एम इन मेघालय, भले ही मैं मेघालय में हूँ और मैं कोलकाता के एपिसोड को एडिट कर रहा हूँ, बट आप ये देख रहे होगे हर 3 दिन में एपिसोड्स आ रहे हैं, सारे 4K हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एडिट और फिर अपलोडिंग में यूट्यूब के ऊपर इसमें टाइम लगता है। तो नेटवर्क जहाँ जहाँ पावरफुल है ना, एपिसोड्स तब तक कभी भी डिले नहीं होंगे। कहीं अगर डिले हो रहा है एपिसोड तो आप ये समझ जाओ कि नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो है या इट्स वीक बेसिकली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल द टाइम सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ।